सो वेलकम बैक गाइस गाइस, आज की वीडियो में हम ये देख रहे होंगे कि हम कैसे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। मैं कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स को आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा जो कि आपसे अननोन होंगे, और बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ कि ये आपसे अननोन होंगे। वो ये है कि आप फाइबर और अपवर्क से बहुत तंग आ गए हो। अगर तो फाइबर और अपवर्क से बहुत ही तंग आ गए हो तो आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जिसमें आपको मस्ट ऑर्डर मिलेंगे वो वाले प्लेटफॉर्म पे फ्रीलांसिंग कर सकते हो। आज मैं कुछ ऐसे 5 प्लेटफॉर्म्स के बारे में आपको बताऊंगा जिस प्लेटफॉर्म से आप ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हो, और ऑनलाइन अर्निंग के साथ साथ आप एक हैंडसम अमाउंट भी, एक मंथली अमाउंट कमा सकते हो। तो चलते हैं वीडियो के स्टार्ट पे और वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो में देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से प्लेटफॉर्म आते हैं जो कि आपको नहीं पता लेकिन लोग इससे बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ गया हूँ। तो सबसे पहली साइट जो हम विज़िट करने वाले हैं वो guru.com है। guru.com पे बहुत ज़्यादा फ्रीलांसर्स आके यहाँ पे कमा रहे हैं। वो इसलिए कमा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन लेवल बहुत ही कम है। कंपटीशन लेवल अराउंड 2% है, 3% है। guru.com पे एक अच्छी अर्निंग भी की जा सकती है। आपके पास ये आपके स्टैट्स बता सकते हैं guru.com के कि $250 million पेड किए जाते हैं फ्रीलांसर्स को यहाँ पे मंथली, और यहाँ पे मंथली 1 मिलियन से बिलियन आपके पास इन्वॉइसेस आती हैं। बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, और कस्टमर्स के बहुत ज़्यादा डिमांड है जिसमें यहाँ पे फ्रीलांसर्स अवेलेबल है। यहाँ पे वो फ्रीलांसर्स अवेलेबल हैं जो कि एक न्यू एंट्री लेवल के फ्रीलांसर्स हैं, और एंट्री लेवल के फ्रीलांसर्स जो होते हैं वो आपके पास, आपको इल्म है कि एंट्री लेवल के फ्रीलांसर्स आपके पास एक अच्छा हैंडसम अमाउंट तभी ही कमा सकते हैं जब आप उन्हें एंट्री लेवल का काम मिला जाए। तो guru.com एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप जाके आप प्रोग्रामिंग के रिलेटेड स्किल्स आपके पास हों, डिज़ाइनिंग के रिलेटेड स्किल्स हों, आर्किटेक्ट के रिलेटेड स्किल्स हों, या आप सोशल मीडिया मार्केटर हो या सेल्स मैनेजर हो, तो यहाँ पे जाके आप यहाँ पे एजुकेट कर सकते हो, लोगों को ट्रेनिंग कर सकते हो, आपके ट्यूटर सेक्शन हो सकते हैं। तो यहाँ पे guru.com पे जाके आप फ्रीलांसिंग को एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू में सीख सकते हो। जो नेक्स्ट साइड है वो साइड आपको बिल्कुल भी, इससे आप अननोन होगे, मैं आपको श्योर कहता हूँ कि ये आप अननोन होगे। और नेक्स्ट साइड आपके पास बिहांस है। बिहांस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म से आप यहाँ पे फ्रीलांसर्स को हायर भी कर सकते हो और बिकम फ्रीलांसर्स को बन भी सकते हो। आप एज अ फ्रीलांसर काम भी कर सकते हो। अगर फ्रीलांसर आप एज अ काम करते हो तो आपके पास बहुत सारे ऐसी टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे आपके पास कैनवा है जो कि आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फील्ड को यहाँ पे टारगेट कर रहा होता है। तो बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फील्ड को जब वो टारगेट कर रहा है तो यहाँ पे सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए बेसिकली ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जहाँ पे आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रिलेटेड बहुत सारे स्टाफ मिलेंगे, फ्रीलांसर्स यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे फ्रीलांसर्स को हायर किया जा सकता है और एज अ फ्रीलांसर यहाँ पे काम किया जा सकता है। और यहाँ पे बिहांस पे बहुत ही कम कंपटीशन है, तो कंपटीशन बहुत कम होने की वजह से ये हाई रैंक है कि आप एज अ एंट्री लेवल, एज अ बिगनर यहाँ पे हायर हो सकते हो। आपके पास जो थर्ड प्लेटफॉर्म है वो थर्ड प्लेटफॉर्म आपके पास टास्क रैबिट के नाम से एक प्लेटफॉर्म है, जो कि टास्क रैबिट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पे आप जो मैनुअल काम होते हैं, जैसे आपके पास इंजीनियरिंग के काम हैं, आपके पास बहुत सारे क्लीनिंग के काम हैं, आपके पास शिफ्टिंग ट्रैफिक के काम हैं, पेंटिंग रिपेयरिंग के काम हैं, आप USA में, UK में, या फिर आप पाकिस्तान में भी, या फिर आप एक ऐसे ऐसे कंट्रीज़ में जहाँ भी ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उस कंट्री में, यहाँ पे वो मैनुअल काम यहाँ से हायर होके ले सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे काम अवेलेबल हैं, एज अ फ्रीलांसर भी आप ये काम कर सकते हो और एज अ मैनुअल फ्रीलांसर भी यहाँ पे काम किया जा सकता है। तो आप ये कह सकते हो फर्नीचर असम्बलिंग यहाँ पे की जा सकती है। आपके पास फर्नीचर असम्बलिंग के लिए वो देखें कि $49 पर आवर आपको यहाँ पे किया जाएगा प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होगा। उसके साथ साथ आपके पास टीवी माउंटिंग, टीवी को कैसे लगाना है उस बंदे के लिए $69 इन्होंने किए हैं एंड टू एंड, और इसके बाद प्लम्बरिंग और होम अपार्टमेंट क्लीनिंग वगैरह के लिए भी इन्होंने एक स्टाफ, एक पूरी फील्ड रखी हुई है अपने प्लेटफॉर्म पे। तो जाएं इस प्लेटफॉर्म पे, टास्क रैबिट के प्लेटफॉर्म पे, और टास्क रैबिट के प्लेटफॉर्म की एक अच्छी अर्निंग यहाँ पे आप कर सकते हो। और पर फोर्थ नंबर पे जो हमारा सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म आता है उसका नाम टॉपटल है, और टॉपटल एक
टॉप 3% टैलेंटेड लोगों के लिए यहाँ पे प्लेटफॉर्म बनाया गया है। यहाँ से अर्निंग करना, हायर होना बहुत ही इजी है। यहाँ पे बिल्कुल 0% आपके पास फंक्शन मार्केट है, आपके पास फ्रीलांसिंग मार्केट बहुत ही कम है। यहाँ पे हायर कर होना बहुत ही इजी है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। यहाँ पे आप लॉग इन करके सिंपल स्टार्ट करके अपनी प्रोफाइल बना सकते हो। या आप देख सकते हो कि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के डेवलपर अवेलेबल हैं जो पहले फेसबुक में काम कर रहे थे, ये भी हायरिंग ही कर रहे हैं और हायर भी हो रहे हैं, एज अ फ्रीलांसर भी काम करते हैं और एज अ फ्रीलांसिंग फील्ड में आपको हायर भी कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ आपके पास मुख्तलिफ फील्ड्स यहाँ पे अवेलेबल है, मार्केटिंग के एक्सपर्ट फील्ड, प्रोडक्ट मैनेजिंग की फील्ड आपके पास अवेलेबल है, डिज़ाइनिंग की फील्ड, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो फील्ड है वो डिज़ाइनिंग की फील्ड है, तो इस फील्ड को ज़रूर आप चेकआउट कीजिएगा। और टॉपटल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपके पास अर्निंग बहुत ही अच्छी होती है, मंथली आप कम से कम 1000 to 2000 डॉलर कमा सकते हो। अब इसके साथ जो हमारे लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्लेटफॉर्म आता है वो पीपल पर आर प्लेटफॉर्म आता है। पीपल पर आर बहुत देर से हमारे पास फ्रीलांसर्स को हायर भी कर रहा है और फ्रीलांसर्स को एज अ काम भी दे रहा है, और फ्रीलांसर्स इस पे आना बहुत ही लेवरेज समझते हैं कि बहुत ही इजी है पीपल पर आर पे काम करना। और इसकी फ्रॉड रेटिंग जो आप ये समझते हो कि फाइवर और अपवर्क पे हमारे पास अगर तो क्लाइंट हमें देगा काम और क्लाइंट ने अगर पे ना किया, माइलस्टोन्स वगैरह बनाते हो, क्लाइंट नाराज़ हो जाता है, तो पीपल पर आवर पे ये आपके पास हिसाब नहीं है। आप पर आवर जब भी हायर होते हो किसी के लिए तो यहाँ पे वो प्लेटफॉर्म आपको पर आवर के हिसाब से ये आपकी अर्निंग प्रोवाइड करता है। यहाँ पे मुख्तलिफ फील्ड्स हैं जिस पे आप इनरोल कर सकते हो। इसमें एक कंटेंट मैनेजमेंट की फील्ड भी है, कंटेंट राइटिंग की फील्ड है, वेबसाइट डेवलपमेंट, लोगो डिज़ाइन, वॉइस ओवर, एलुस्ट्रेशन, बहुत सारी फील्ड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसके अलावा एलुस्ट्रेशन और सोशल मीडिया स्ट्रेटजीज, ये सारे आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म की आपको मैं फील्ड्स बता रहा हूँ जो जिस पे अर्निंग करना इतना इजी है, निस्बतन आप यहाँ पे फाइवर्स और अपवर्क के थ्रू अर्निंग कर रहे हो। तो आज हमने एक ऐसे प्लेटफॉर्म, पांच प्लेटफॉर्म्स के बारे में सीखा जिस प्लेटफॉर्म्स को हम सीख के एक अच्छा अर्न भी कर सकते हैं। अर्निंग के साथ साथ हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी एक कम्युनिटी भी बिल्ड कर सकते हैं जिससे आपको एक अच्छे क्लाइंट्स मिल सकते हैं और उससे ऑर्डर्स लेना बहुत ईजी है। तो अगर तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपने ये प्लेटफॉर्म ज़रूर देखे हों, चेकआउट किए हों एक दफ़ा, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कौन से प्लेटफॉर्म आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और सबसे ज़्यादा अर्निंग किस प्लेटफॉर्म से आपकी हुई। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।